नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लद्दाख दौरे का आज आखिरी दिन है। उन्होंने कारगिल में एक रैली को संबोधित किया। राहुल ने भारत चीन बॉर्डर पर चल रहे गतिरोध को लेकर कहा, चीन ने हजारों किलोमीटर जमीन हमसे छीनी है, मगर पीएम ने इस पर झूठ बोला। वह कह रहे हैं कि 1 इंच जमीन नहीं गई, यह सरासर झूठ है। राहुल ने कारगिल के लोगों की बहादुरी की भी तारीफ की। अपने संबोधन में राहुल ने कहा, जब भी बॉर्डर पर जंग हुई है तब कारगिल के लोग एक आवाज़ पर भारत के साथ खड़े हुए हैं। कारगिल में अपने लद्दाख दौरे का समापन करके राहुल श्रीनगर निकल जाएंगे। ये उनका निजी दौरा है। वह हाउसबोट और होटल में 2 दिन बिताएंगे। शनिवार को राहुल की मां सोनिया भी श्रीनगर पहुंचेंगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने बताया, ये उनका फैमिली टूर है। इस दौरान वह कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं करेंगे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।